अदा, जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा कि काफ़ी स्कैरी सीन्स भी हैं उसमें और काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी दिखाया गया है, तो क्या कुछ ऐसे जवानों से जो कि जो जवान शहीद हुए नक्सली हमलों में, क्या उनके परिवारों से आप मिली? क्या ऐसे जवानों से आप मिली जो उन वॉर्स का हिस्सा रहे? सी ब्लड शेड एंड ऑल है, पर हमारे 76 जवान्स को मार दिया गया था हमारे देश के अंदर के लोगों ने, तो वो ऑब्वियसली बहुत स्कैरी है। एंड वो स्कैरी है तो स्कैरी ही दिखाना चाहिए, बट आई फील हमारे देश के लोग बहुत ही ब्रेव है, हम भारतीय बहुत ब्रेव है, तो सब लोग देखेंगे। एंड ऐसे ही नहीं कि वायलेंस लाइक टाइम पास के लिए वायलेंस नहीं, 76 जवान मर गए थे। एक ट्राइबल औरत का हस्बैंड उसे काट दिया गया टुकड़ों में उसके बेटी के सामने, 5 साल की बेटी के सामने, तो वो सब अगर हो रहा है आई थिंक यू शुड शो इट एज इट इज़। और हमारे मेकर्स जो आपने केरला स्टोरी देखी थी, कितना डायरेक्ट और कितना ऑनेस्ट फिल्म है, तो यहाँ पे भी अगर वायलेंस है तो वो वायलेंस ही दिखाया जाएगा जो हुआ। ये इंसिडेंट्स हुई है, 76 जवान हमारे देश में उनको मार दिया गया, सेलिब्रेशंस हुई, कुछ लोगों ने सेलिब्रेट किया, तो वो सब हम दिखा रहे हैं ये फिल्म में।